Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, HS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And finally, we have reached at the last topic over the main heading curriculum, that is defects in existing curriculum. And the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for you all. So, let's start. First of all, करिकुलम हम लोग बहुत बात कर चुके हैं करिकुलम पे, पाठ्यक्रम होता क्या है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या से कैसे अलग है, उसके टाइप्स क्या होते हैं करिकुलम के, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग करिकुलम, करिकुलम बनाते कैसे हैं, कौन कौन से मॉडल हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, फिर इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम क्या होता है, और अब पढ़ रहे हैं करिकुलम में क्या डिफेक्ट है. तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, हम सबको पता है कि भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना. उसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देखा, क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब थी. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने बताया कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है वह वीकेस्ट लिंक है ना. क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन में आ कौन रहे थे? बच्चे जो सेकेंडरी एजुकेशन पार करके आ रहे थे. तो एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया ये देखने के लिए कि भाई क्या दिक्कत है. तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बहुत डिटेल में सेकेंडरी एजुकेशन को, स्कूल लेवल की एजुकेशन को पढ़ा, समझा, बताया, रिकमेंडेशंस दी. उसने करिकुलम को डिफाइन किया, ये डेफिनेशन मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ. करिकुलम डज नॉट मीन ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट्स ट्रेडिशनली टॉट इन द स्कूल, बट इट इंक्लूड्स द टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट गो ऑन इन द स्कूल, इन द क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड्स एंड इन द न्यूमरस इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स बिटवीन टीचर एंड पीपल. कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो विषय जो आपको पढ़ाए जाते हैं, बल्कि वो सारा अनुभव जो आपको आपकी कक्षा कक्ष में, आपकी प्रयोगशालाओं में, आपकी पुस्तकालयों में, कार्यशालाओं में, खेल के मैदानों में, और वो जो हजारों बार आप अपने शिक्षक से इनफॉर्मली मिलते हैं, उन सब से जो आपको अनुभव मिलता है, उसकी संपूर्णता ही पाठ्यक्रम है. फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. अगर हमको डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग करिकुलम पढ़ना है, हमको ये जानना है कि पाठ्यक्रम में गलती क्या क्या है, दोष क्या क्या है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम को करना क्या क्या चाहिए. जब हमको उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाएंगे तो हम देख लेंगे कि अच्छा ये एम्स हमारे और ऑब्जेक्टिव्स हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें ये दोष है. तो करिकुलम शुड ड्रॉ आउट, अकॉम्प्लिश एंड इंस्पायर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑल. तो कह रहा है कि पाठ्यक्रम को बच्चों का, शिष्यों का, विद्यार्थियों का कंप्लीट डेवलपमेंट करना चाहिए. इट शुड एक्ट एज अ ब्रिज फॉर मिनिमाइजिंग द गल्फ बिटवीन द स्कूल सब्जेक्ट्स एंड द डाइवर्स रिच एंड वैरीड एक्टिविटीज दैट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. करिकुलम को एक सेतु की तरह काम करना चाहिए ताकि वो जो खाई है, जो कि विषयों और जो जीवन हम जीते हैं, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बीच की खाई है, उसको पाटने का काम करना चाहिए. इट शुड डेवलप द क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी, फ्रेंडलीनेस, गुडविल, जजमेंट, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन. यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारे अंदर ईमानदारी, दोस्ती, मित्रता, अच्छे भाव, निर्णय करने की क्षमता, इंटीग्रिटी, हम ऑथेंटिक रहें, इंटीग्रिटी हमारे अंदर हो और कोऑपरेशन की भावना हो, ये सब गुण डेवलप कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए. It should help in inculcation of values in the pupils through intimate contact with arts, natural sciences, humanities, religion. ये भी देखिए integration की बात कर रहा है कि हमको इन विषयों के through arts पढ़ रहे हैं तो हम natural sciences पढ़ रहे हैं तो humanities पढ़ रहे हैं, धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उन सब से हमारे अंदर मूल्यों का inculcation होना चाहिए. It should develop a community of scholars striving for inquiry, knowledge and working for advancement of the frontiers of knowledge and research. ये एक इस तरीके के पढ़े लिखे लोगों की कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए जो कि सतत खोज में रहें, कुछ खोजें, कुछ उनके अंदर इंक्यूजिटिवनेस हो, वो ज्ञान की तलाश में हो, अनुसंधान और ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में काम करें. इट शुड केटर टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल पजेसिंग डिफरेंट एबिलिटीज, कैपेसिटीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड टेस्ट. वो कह रहे हैं चूंकि विविध तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं, सेम पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं उनके लिए, तो पाठ्यक्रम में इतनी विविधता हो कि सबको केटर कर सके. इट शुड क्रिएट सच एन एटमॉस्फेयर दैट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू लर्न, थिंक, रीजन, ऑब्जर्व एंड डेवलप देयर मेंटल फैकल्टीज. वो कह रहे हैं कि इस तरीके का वातावरण का निर्माण कर सकने में पाठ्यक्रम सक्षम होना चाहिए ताकि विद्यार्थी जो है वो मोटिवेटेड रहे, अभिप्रेरित रहे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सोचने के लिए, तर्क करने के लिए, प्रेक्षण करने के लिए, और जिससे उनकी मेंटल फैकल्टीज का विकास हो सके. अब आते हैं डिफेक्ट्स. देखिए डिफेक्ट्स सिर्फ मैंने हेडिंग्स डाली, आप इसको जितना चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं. ये चूंकि मुजालियर
डिफिकल्ट पॉइंट आउट इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का ही रिलीज हो गया, ये मुदालिया कमीशन के ही पॉइंट है। ट्रेडिशनल करिकुलम सफर्स फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एंड नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉलिंग, है ना। वो कह रहा है कि जो पुराना पाठ्यक्रम है, जो परंपरागत पाठ्यक्रम है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जरूर उसको दूर करा जाना चाहिए, पूरी तरीके से चेंज की जरूरत है। इट इम्फेसाइजेस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड नेग्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। वो कह रहे हैं कि जो परंपरागत हमारा पाठ्यक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ हमसे बौद्धिक विकास का वो इम्फेसाइज करता है और सभी प्रकार के विकासों को दरकिनार करता है। The defects pointed out by the Secondary Education Commission are still relevant. ये लिखा हुआ था यहाँ पे, जो कि मिट गया है, गलती से डिलीट हो गया आई थिंक। तो क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं? Present curriculum is narrowly conceived. हमने बहुत संकीर्ण तरीके से उसका निर्माण किया है, हमने सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा है, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट, सब तरीके के डेवलपमेंट को छोड़ दिया। इट इज बुकिश एंड थियोरेटिकल, सब कुछ किताबी ज्ञान, कहीं वो जाके रियल लाइफ से जुड़ता नहीं है, कहीं वो हमको ऐसे सोल्यूशन नहीं बताता है कि जिंदगी में ये समस्या आए तो हम कैसे डील करें, वो हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं डेवलप करता है, थियोरेटिकल है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज नहीं है, हम प्रैक्टिकल्स नहीं कराते हैं ज्यादा। इट इज ओवर क्राउडेड, लैकिंग रिच रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट कंटेंट, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड है, ओवर क्राउडेड है, और जो रिच रेलिवेंट एकदम अप टू डेट और सिग्निफिकेंट कंटेंट को लैक करता है। Does not cater to the psychological aspects of the child. जो बालक है उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। Not able to cater to the needs and capabilities of adolescents. देखिए adolescent age जो है, जो किशोरावस्था है, वो नितांत अलग है बाल्यावस्था से और युवा, मतलब एकदम आप जब वयस्क हो जाते हैं तो उनके तो एकदम यूनिक नीड्स हैं, यूनिक इंटरेस्ट हैं, यूनिक उनके एप्टीट्यूड्स एटीट्यूड्स हैं, तो उसको तो बिल्कुल भी केटर नहीं करता है हमारा पाठ्यक्रम। Still dominated by examinations. Examination overloaded है. पढ़ाने से ज्यादा परीक्षा लेने पर बल है. Not give due importance to technical and vocational aspect. आपको पता होगा कि Secondary Education Commission ने कहा था कि vocationalization की बात होनी चाहिए, बहुत सारे इस तरीके के हम विषय उसमें जोड़े ताकि जो बच्चा आगे हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहता है वो कुछ स्व व्यवसाय में लिप्त हो सके, उस पर बिल्कुल बल नहीं है, अनप्रोग्रेसिव है और कल्चर को भी neglect करता है। तो चल ये 50 साल कम से कम लगभग उधर, 48 साल और इधर 23 साल आपका, लगभग 70-75 साल पुराना ये डिफेक्ट निकाला हुआ है। आप लेकिन समझ सकते हैं कि अभी भी वही हाल है, एनईपी की आ गया है अभी तक हम उसको लागू नहीं कर पाए, मतलब लगभग 75 साल से ये जानते हुए कि हमारा करिकुलम नैरोली कंसीव्ड है, बुकिश है, ओवर क्राउडेड है, केटर नहीं करता, इंपॉर्टेंस नहीं देता, अनप्रोग्रेसिव नेग्लेक्ट कल्चर है, ये चला आ रहा है ऐसे ही। तो निश्चित रूप से इसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ओके, तो ये टॉपिक भी मैंने कवर किया और मैंने करिकुलम को पूरी तरीके से कवर कर लिया जितना आपके कोर्स में था, करिकुलम की मीनिंग, टाइप्स, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम एंड डिफेक्ट्स इन द करिकुलम, डिफेक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन, आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।